नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में एक टच स्क्रीन कैसे वर्क करती है मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और इवन दोस्तों बहुत सारी मशीन्स हैं आपको बिग बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इवन कुरियर बॉयज़ के हाथों में देखने को मिल जाएंगी, उन सभी के ऊपर टच स्क्रीन होती है। तो फिलहाल दोस्तों ये टच स्क्रीन वर्क कैसे करती हैं आइए देख लेते हैं। तो फिलहाल टच स्क्रीन की बात करें तो मार्केट में जो टच स्क्रीन अभी अवेलेबल है सिर्फ दो ही टाइप की होती हैं दोस्तों, एक है रेजिस्टिव, दूसरी है कैपेसिटिव। अगर रेजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो देख सकते हैं कि दोस्तों रेजिस्टिव टच स्क्रीन में इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है। दोस्तों पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक ग्लास के सबस्ट्रेट से, उसके ऊपर आईटो की कोटिंग की जाती है इस टाइप से। तो ये लाइन्स हैं इंडियम टिन ऑक्साइड की, और फिलहाल एक और शीट ली जाती है दोस्तों, वो ग्लास की नहीं होती इस केस में किसी प्लास्टिक की होती है, और उस पर दोस्तों इस टाइप की आईटीओ की कोटिंग की जाती है। आईटीओ दोस्तों एक तरह से कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे कि दोस्तों आपकी वायर मान लेते हैं कंडक्टिव वायर होती है दोस्तों, बिल्कुल उसी टाइप की मटेरियल होता है, और इसमें दोस्तों आप करंट को बिगर किसी बाधा के फ्लो कर सकते हो। और फिलहाल अब इन दोनों मटेरियल को आपस में सैंडविच कर दिया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया जाता है, ये दोनों वायर्स आपस में टच ना करें, तो इसलिए इन दोनों के बीच में स्पेसर डाला जाता है। तो देख सकते हो कि बीच में स्पेसर है और इनको स्पेसर डाला जाता है, और फिलहाल देखा जाए तो ये वायर्स हैं कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाती हैं, एक की और दूसरे की कुछ ऐसे अरेंज होती हैं, और इन दोनों को आपस में टच ना करें तो इसलिए बीच में स्पेसर डाला जाता है। और दोस्तों आप क्या करते हो, आप जैसे आप अपनी फिंगर को इसके अक्रॉस या इसकी प्रॉक्सिमिटी में लाते हो और फिलहाल इसको दबाते हो, तो ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म होती है दोस्तों वो दब जाती है और इस टाइप का यहाँ पर बम्प बन जाता है, और फिलहाल इसके नीचे जो लगा हुआ दोस्तों कंडक्टर है वो टच कर जाता है नीचे वाले कंडक्टर से, तो फिलहाल सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि ये आड़ी तिरछी रेखाएं थी आईटीओ की, और ये आड़ी तिरछी रेखाएं आगे जाके माइक्रो कंट्रोलर पर इनपुट देती। फिलहाल ये आड़ी तिरछी रेखाओं पर दोस्तों इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया जाता है बैटरी का। यहाँ पर दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इन आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अगर दोस्तों रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब कि आपने उंगली को टच कहीं पर नहीं कर रखा है, अगर दोस्तों लेट्स सपोज इन दोनों आड़ी तिरछी रेखाओं को रखने के बाद इस टाइप की ज्योमेट्री बन जाती है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट से घट के कुछ 10 ओम या 20 ओम हो जाते हैं, मतलब कि आपने उंगली से इस रीजन को प्रेस किया। और फिलहाल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस की जो ग्रिड थी आईटीओ की और जो वाई एक्सिस की ग्रिड थी उसको माइक्रो कंट्रोलर चेक कर लेगा, और फाइनली दोस्तों वो एक टच की यहाँ पर आउटपुट दे देगा कि आपने इस कोऑर्डिनेट पर या इस पोजीशन पर टच किया है। तो फिलहाल देखा जाए अगर आपने कहा यहाँ पर कहीं पर टच कर रखा है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये लाइन ऑन हो जाएगी, लगभग दोस्तों इन दोनों कनेक्टर पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, और फिलहाल इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी पर माइक्रो कंट्रोलर निकाल देगा कि आपने इन दोनों के बीच में कहीं पर टच किया है। तो फिलहाल देखा जाए तो ये टच ऐसे वर्क करता है, और इसमें है आपकी दो कंडक्टिंग वायर्स, और कंडक्टिंग वायर्स आपस में टच ना करें तो इसलिए बीच में स्पेसर डाल दिया गया, और जहाँ पे भी दोस्तों आप बाहर वाली दोस्तों जो प्लास्टिक की फिल्म को टच करते थे उसके नीचे लगा हुआ कंडक्टर ग्लास के ऊपर लगे हुए कंडक्टर से टच कर जाता था, और फिलहाल वहाँ पर करंट फ्लो करने शुरू कर देती थी, और आपका माइक्रो कंट्रोलर एग्जैक्टली ग्रिड्स को सर्च करके कहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो फिलहाल उससे ये रेकग्नाइज कर लेता था कि आपने कहाँ पर अपनी उंगली से टच किया। तो फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी आसान टेक्नोलॉजी थी, और दोस्तों इसकी इसी आसानियत की वजह से जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, इसको आराम से फैब्रिकेट किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय इसकी और भी बहुत सारी एडवांटेजेस थी, जैसे कि दोस्तों ये किसी भी मटेरियल के लिए वर्क कर सकता था, मतलब कि जरूरी नहीं दोस्तों आपको इसको अपने फिंगर से टच करना है, आपको एक छोटा सा नीडल ले लीजिए, आप छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड ले लीजिए, अपने फिंगर नहीं ले लीजिए, किसी से भी दोस्तों टच कर लीजिए, ये आराम से वर्क करता है। और इवन दोस्तों ये किसी भी वेदर में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मॉइस्चर हो, चाहे कुछ भी हो, तो फिलहाल ये जो टच है काफ़ी अच्छे से किसी भी वेदर में, किसी भी सिनेरियो में दोस्तों ये टच अच्छे से वर्क करता था। तो दोस्तों यही कारण है कि आज भी आपको सुपरमार्केट के अंदर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं उसके ऊपर आपको इस टाइप का टच पैनल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो खामी थी वो था इसका पुअर रिस्पॉन्स, मतलब कि कभी किसी सिनेरियो में दोस्तों ये अच्छे से वर्क नहीं करता था, और इवन दोस्तों इसका जो रेजोल्यूशन था वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था, मतलब कि दोस्तों अगर आप ABC जो है क्वाड्रेटिक की में अगर आप ए को टाइप करना चाह रहे हो तो पता चला उसका जो प्रॉक्सिमिटी दूसरा की है वो टाइप हो जा रहा है। तो फिलहाल इस टाइप की प्रॉब्लम इस टच स्क्रीन के साथ देखने को मिलती थी। और दोस्तों जो तीसरी कमी थी यहाँ पर आईटीओ, तो आईटीओ दोस्तों काफ़ी ब्रिटल होता है, इवन अगर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर झटका लगता है जो आईटीओ की वायर्स होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने से दोस्तों सर्किट वो इनकम्प्लीट हो जाता है, और इवन दोस्तों अगर आप उस लाइन के अक्रॉस कहीं पर भी टच करने की कोशिश करोगे तो वो टच रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आईटीओ का यूज़ करने की वजह से इस टच स्क्रीन की जो ड्यूरेबिलिटी थी दोस्तों वो काफ़ी पुअर थी। तो फिलहाल देखा जाए तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन अभी भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है, सुपर मार्केट, बिग बाजार दोस्तों यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले पैनल मिलेंगे जिस पर टच स्क्रीन चल रही है तो फिलहाल वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है। इसके सिवाय दोस्तों एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में प्रचलन में है वो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो फिलहाल कैपेसिटिव टच स्क्रीन को समझने से पहले आपको मैं कैपेसिटर के बारे में बता देता हूँ।
Thank you.